खबर चंदौली से है। विकास खंड के विभिन्न गांव सिकंदरपुर, बनियाखुर्ड, बनियाकला, नौडीहा, तेरहौना आदि की सैकड़ों महिलाएं आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, नाली व रास्ते को लेकर मंगलवार को ब्लॉक परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने बताया कि हम लोग के गांव के प्रधान की मनमानी के चलते आज तक आवास शौचालय नहीं दिया गया। जिसका मकान पक्का है उसे आवास व शौचालय दे दिया गया, लेकिन जिसका कच्चा मकान है उसको अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया गया। जब हम लोग जाते हैं तब जवाब दिया जाता है कि अगले बार आप लोगों को दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि सफाई न होने पर गांव के नालियों में अतिक्रमण से पटा हुआ है, सफाई कर्मी का अता पता नहीं चलता। साथ ही यह भी बताया कि कुछ महिलाएं विधवा हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं मिलता और न ही कोई योजना का लाभ दिया गया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सरिता सिंह ने कहा कि विभिन्न गाँव की महिलाएं अपनी समस्या जायज है, जिसकी महिलाओं को अभी तक आवास व शौचालय न मिल पाया उस गांव की महिलाओं को आवास दिया जाएगा, लेकिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गांव में जाकर जांच पड़ताल के बाद जो पात्र होगा उन्हीं को दिया जाएगा। साथ ही पेंशन के लिए पात्र व्यक्तियों, महिलाओं एवं व्यक्ति को पेंशन ऑनलाइन आवेदन के बाद ही पेंशन जारी किया जाता है। सभी महिलाओं की सूची कर्मचारी तैयार कर रहे हैं, इसके पश्चात सूची व नाम के आधार पर सर्वे कर लोगों को आवास व शौचालय दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में सिकंदरपुर से प्यारी, तारा, हेमंती, सुमन, सरस्वती, कलावती, कंचन, नगीना, मनोरमा, गुलाबी, निर्जला, मलती, तेतरा, सीता देवी, मुन्नी, बलियाखुर्द से परमीला, सीला, रेखा, पिंकी, अनीता, गीता, संगीता, सुशीला, नौडीहा, धनवती, पार्वती, भिट्टिन, कल्लो, बिंदु, प्रभावती, अर्चना, रिमझिम सहित सैकड़ों संख्या में विभिन्न गांवों की महिलाएं मौजूद रहीं। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला है? ऐसा है कि हम लोग प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि यहाँ पे समूह से जुड़ने से पहले दीदी लोग हम लोग के यहाँ आई थी तो बोली थी कि आप लोग समूह में जुड़ जाइए, इससे आप लोग को आवास, गौशाला, शौचालय सारी सुविधाएं मिलेंगी। मगर हम लोग जुट गए मगर कुछ भी सुविधा नहीं मिली। हाँ, प्रधान ये करते हैं जिसके पास संपत्ति है उसको दिया जा रहा है, गौशाला दिया जा रहा है, गौशाला दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, उनका सारा काम हो रहा है मगर गरीब महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं। आखिर क्यों हो रही है ये सब समस्याएं आ रही हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि पहले अमीर लोगों को ना देखा जाए, पहले गरीब लोगों को देखा जो कि घर रहने के लिए है मगर है नहीं, क्योंकि उनके छत जो है टपक रहे हैं, उस सब बेचारी कैसे रह रही हैं अपने घर पे, उनकी समस्या हल किया जाए। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? सरकार कहाँ बैठी है? हम लोग इसीलिए समूह में जुड़े हैं। क्या तहसील की कुछ महिलाएं प्रदर्शन करें, इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी जो मेरे पास महिलाएं आई हैं कम से कम 50 से 60 की संख्या में है, जो 2-3 गाँव से हैं, बलियाखुर्द की हैं, सिकंदरपुर और बलियाकला। तो इनकी समस्या है कि इनको आवास नहीं मिला है। इनका कहना है कि गांव पंचायत की जो प्रायोरिटी सूची है आवास की, उसमें इनका नाम नहीं है। और दूसरा, शौचालय के लिए कुछ महिलाओं ने कहा कि उनके पास शौचालय नहीं है, कुछ ने कहा कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो और 2-3 महिलाओं ने कहा कि उनके पास पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें विधवा पेंशन। तो सबका मैंने अभी सेक्रेटरियों को बुलवा करके और एक एडीओ को लगा करके सबकी समस्या नोट करा लिया है कि जो जो महिलाएं हैं जिस जिस चीज़ के लिए आवेदन कर रही हैं वो अलग से हम उनको नोट कर ले रहे हैं। यदि आवास की महिलाएं हैं तो आवास की सूची जो बन रही है इस समय, जो से डाटा से छूटे हुए लाभार्थियों का नाम है वो भी प्रक्रिया में चल रही है, तो उसमें संबंधित सेक्रेटरी और सेक्टर एडीओ जो हैं वो जाएंगे इनके घर में, एक एक घर की जांच करेंगे। ये जो महिलाएं जिन लोगों ने आवेदन दिया है, जांच करेंगे और उनकी फ़ोटो खींचेंगे। यदि वो पात्र होती हैं, कच्चे मकान हैं, तो उनको पात्रता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। और निकट भविष्य में 6-7 महीने बाद जब सेक्स से छूटे हुए व्यक्तियों का आवास आएगा तो इनको आवास मिल जाएगा इनकी पात्रता के आधार पर। शौचालय में भी बेसलाइन सर्वे के आधार पर जितने लोगों का नाम था, हम लोगों ने शौचालय दे दिया है। और उसके बाद LOB के अंतर्गत जिनका नाम छूट गया था, छूटे हुए लाभार्थियों का, उनको भी MIS फीडिंग करा ली गई है और कुछ लोगों का नाम उसमें दर्ज होने से बच गया था, तो अभी फिर से LOB की साइट खुल गई है। तो अभी भी जो पात्र लाभार्थी गांव में शौचालय के लिए बचे हैं उनको आधार के आधार पर उनका फिर से हम फीडिंग करा रहे हैं, उनको शौचालय मिल जाएगी।
वो हमने एडीओ पंचायत को निर्देशित कर दिया है, पीजी मुनीर के द्वारा कराई जाती है। विधवा पेंशन के लिए मैंने एडीओ समाज कल्याण क्या निर्देशित कर दिया है, वो बैठ के अभी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर, क्योंकि वो प्रक्रिया है सेंड करने के लिए, उसे ऑनलाइन सेंड करना है क्या करना है वो देख रहे हैं अपना, वो भी तो अधिक निशान कर लिया जाएगा। अपना परिचय बताइए। जी, हमारा नाम राजकुमारी है, हम बलिया कला के रहने वाले हैं, और हमारी समस्या है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास आवास नहीं, हम लोग अपना जमीन बेचकर और घर द्वार बनवाए हुए हैं और कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि आपके पास पक्का है, तो हम बोले कि हम लोग तो अपना जमीन बेचकर बनवाए हैं, तो हम लोग कहाँ से, हम लोग को ईटा रखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। प्रधान जी यही बोलते हैं कि ईटा है तो हम लोग को नहीं मिलेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग देखिए, हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पति को कैंसर हो गया, मर गए, और क्या बोलता है कि हम लोग को कोई प्रधान तरफ से नहीं, हमें वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न हमको आवास मिला, शौचालय मिला, आधा पैसा मिला, आधा नहीं मिला। लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोगों के पास ना शौचालय है ना ही आवास है। हम लोगों की यही समस्या है कि हम लोगों को आवास और शौचालय जल्द से जल्द पास किया जाए। प्रधान जी क्या कहते हैं शौचालय आवास के लिए? प्रधान जी कहते हैं कि आएंगे तो आएगा, तब तो देंगे हम ना, नहीं आएगा तो कहाँ से देंगे।